मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय 12। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक टॉपिक, पूंजी बाजार। भारतीय वित्तीय प्रणाली को दो भागों में बांटा गया है, जिनमें पहला है मुद्रा बाजार और दूसरा है पूंजी बाजार। आज हम पूंजी बाजार का अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक बीकॉम सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और एमकॉम के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। तो आइए चलते हैं हम पूंजी बाजार। पूंजी बाजार का अर्थ, पूंजी बाजार एक ऐसा बाजार है जहां प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। बाजार में विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों को निर्गमित कर धन एकत्रित किया जाता है। प्रतिभूतियों के अंतर्गत समता शेयर, बोनस, बॉन्ड, ऋण पत्र, पूर्वाधिकारी अंश इत्यादि प्रमुख हैं। इन प्रतिभूतियों में केंद्रीय एवं राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों, अधिकार निर्गमन अंश, बीमा प्रीमियम, जोखिम पूंजी, बंधक ऋण, विभिन्न प्रकार के ऋण शामिल किए जाते हैं। पूंजी बाजार से ली जाने वाली विभिन्न उद्देश्यों के लिए होती है। पूंजी बाजार की संस्थाएं, पूंजी बाजार में अनेक वित्तीय संस्थाएं, निगम, कंपनियां, व्यापारिक बैंक आदि शामिल होते हैं। इन संस्थाओं में यूटीआई, जीवन बीमा। निगम, सामान्य बीमा निगम, ICICI, IDBI, IFCI, SIDBI, IRBI, जोखिम पूंजी कंपनियां, पारस्परिक कोष, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां आदि प्रमुख हैं। यह सभी संस्थाएं पूंजी बाजार में भाग लेती हैं। पूंजी बाजार विभिन्न संस्थाओं का समूह है जो मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन प्रतिभूतियों द्वारा ही पूंजी उपलब्ध कराता है। पूंजी बाजार का संगठित क्षेत्र भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड से नियंत्रित होता है। पूंजी बाजार का गठन पूंजी बाजार दीर्घकालीन कोषों का बाजार होता है। इसमें पूंजी निवेश की सभी सुविधाएं उपलब्ध होती है। पूंजी बाजार के गठन को आपको डिस्प्ले पर दिखाए गए डायग्राम में दिखाया गया है। पूंजी बाजार के गठन, जिसमें पहला है सरकारी प्रतिभूति बाजार। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्गमित की जाने वाली प्रतिभूतियों का बाजार सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार कहलाता है। अर्थात केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार या स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्गमित की जाने वाली प्रतिभूतियों का बाजार सरकारी प्रतिभूति बाजार कहलाता है। स्थानीय सरकार द्वारा जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों में नगर निगम, नगर पालिका, पोर्ट ट्रस्ट, UIT इत्यादि को भी शामिल किया जाता है। सरकारी प्रतिभूतियां सरकारी गारंटी वाली होती है, क्योंकि इनमें कोई जोखिम नहीं होता। सरकारी प्रतिभूति के रूप में केंद्रीय सरकार के बॉन्ड्स, ऋण पत्र, ट्रेजरी बिल आदि जारी किए जाते हैं। सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार में कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि इनमें सुरक्षा, कम जोखिम आदि होता है। औद्योगिक प्रतिभूति बाजार, इन्हें स्टॉक प्रतिभूति के नाम से भी जाना जाता है। इसमें देश के समस्त स्टॉक एक्सचेंज या NSE आदि में हो रही सभी प्रकार की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। औद्योगिक प्रतिभूति बाजार में इक्विटी बाजार का विशेष महत्व है। इक्विटी को समता अंश, स्वामीगत पूंजी भी कहा जाता है। इन औद्योगिक प्रतिभूति बाजार को दो भागों में बांटा गया है, नया निर्गमन बाजार और सहायक बाजार। नया निर्गमन बाजार पूंजी संग्रहित करने के लिए संस्थाओं के द्वारा अंश, ऋण पत्र आदि पहली बार जारी किए जाते हैं। इसे नया निर्गमन बाजार या प्राथमिक बाजार के नाम से जाना जाता है। सहायक बाजार, इसमें पहले से मौजूद प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है, तो इसे सहायक बाजार के नाम से जाना जाता है। इसे स्टॉक बाजार के नाम से भी जाना जाता है। अंश, ऋण पत्र, बॉन्ड्स आदि प्रतिभूतियों का स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा क्रय विक्रय किया जाता है। तीसरा पॉइंट है विकास वित्तीय संस्थाएँ भी पूंजी बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन सभी संस्थाओं द्वारा पूंजी बाजार में बहुत बड़ी मात्रा में धन
निवेश किया जाता है। इन संस्थाओं में ICICI, IDBI, IFCI, WTO, WTI प्रमुख हैं। विदेशी मुद्रा कोषों से भी इन संस्थाओं द्वारा राशि अर्जित की जाती है। अगला बिंदु है वित्तीय मध्यस्थ। वित्तीय मध्यस्थ पूंजी बाजार में निम्न प्रकार के वित्तीय मध्यस्थ हो सकते हैं। पहला है मर्चेंट बैंकिंग। मर्चेंट बैंक अर्थात व्यापारिक बैंक। मर्चेंट बैंक द्वारा वित्तीय सलाह देना, ट्रस्टी प्रबंध संबंधी कार्य, बीमा सेवाएं देना, संपत्ति मूल्यांकन करवाना संबंधी कार्य किए जाते हैं। मर्चेंट बैंक व्यापारिक बैंकों से अलग होते हैं। यह बैंक फुटकर के स्थान पर थोक में कार्य करना पसंद करते हैं। भारत में मर्चेंट बैंकिंग का कार्य करने वाली संस्थाएं व्यापारिक बैंक, तकनीक आदि हैं। मर्चेंट बैंकों पर सेबी का नियंत्रण होता है। इन बैंकों को सेबी के निर्देशानुसार ही कार्य करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड। भारत में 1964 में UTI की स्थापना म्यूचुअल फंड के रूप में की गई थी। UTI अर्थात यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। म्यूचुअल फंड से पूंजी बाजार और अधिक गतिशील हो गया है। म्यूचुअल फंड को इक्विटी का क्रेता तथा ऋणों का विक्रेता माना जाता है। म्यूचुअल फंड में प्रति यूनिट की नेट एसेट्स वैल्यू की गणना इसी मूल्य के आधार पर यूनिटों की खरीदी एवं बिक्री की जाती है। म्यूचुअल फंड अपना निवेश सरकारी प्रतिभूतियों में तथा मुद्रा बाजार के विभिन्न उपकरणों में करता है। म्यूचुअल फंड का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। अगला है लीजिंग वित्त कंपनी। लीजिंग वित्त दो पक्षों के बीच संपत्ति के प्रयोग को लेकर समझौता किया जाता है, जिसमें एक पक्ष लेजी होता है जो संपत्ति का प्रयोग करता है, दूसरा पक्ष लेजर होता है जो संपत्ति का स्वामी होता है। यह समझौता निश्चित अवधि के लिए किया जाता है और समझौते के अनुसार प्रतिमाह किराया निश्चित होता है। लीज दो प्रकार की होती है, एक परिचालन जो अल्पकालीन होती है, दूसरी वित्तीय लीज जो दीर्घकालीन होती है। वेंचर कैपिटल कंपनी। ये कंपनियां वित्तीय माध्यम के रूप में कार्य करती हैं। इन कंपनियों को वेंचर कैपिटल फंड, जोखिम पूंजी कोष, वेंचर कैपिटल मार्केट आदि के नाम से भी जाना जाता है। ये एक दीर्घकालीन एवं प्रबंधकीय भागीदारी को निवेश माना जाता है। भारत में वेंचर कैपिटल का ढांचा म्यूचुअल फंड के समान ही है, अर्थात भारत में वेंचर कंपनियों का ढांचा म्यूचुअल फंड के समान ही है। धन्यवाद। आपको ये टॉपिक कैसा लगा, इसके लिए मुझे फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद।